हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संदीप मंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स रिव्यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले फिश बॉल की। आई होप कि आप लोग को मछलियां पालना बहुत पसंद है। आप लोग को एक फिश बॉल में पीटा फिश या फिर तो कोल्ड फिश रखना बहुत पसंद होगा, तो मुझे भी है वो शौक। और मैंने अभी हाल ही में जो है फ्लिपकार्ट से एक फिश बॉल ऑर्डर किया है और उसका ही मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि वो फिश बॉल कैसा है, किस तरीके का, कितना ट्रांसपेरेंट है, क्वालिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये दो गोल्ड फिश खरीद के लेके आया हूँ, आप देख सकते हो। और मैंने इसको कम से कम अभी कितना टाइम हो गया मैं बता देता हूँ दोस्तों। मैं दोपहर के 3 बजे लेके आया हूँ, अभी 8 बजे, 5 घंटे हो गए दोस्तों। मैंने इसको जो है ये पानी में रखा है और ये जो पानी आप देख रहे हो दोस्तों, इसी पानी को जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता, अगर आप जो भी फिश खरीदते हो उनको स्ट्रेस या शॉक नहीं देने के लिए आपको जो है 1 घंटा या 1/2 आवर जो है उस पानी के साथ रखना चाहिए, जो पानी आप यूज़ करने वाले हो फिश टैंक के लिए या फिश बॉल के लिए। इन दोनों पानी का टेम्परेचर जो है बहुत अच्छी तरीके से मैच हो चुका है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से जो फिश जो है एक्वेंटेंट हो चुके हैं, तो मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये पानी डालते ही दोस्तों इनको जो है अपने फिश बॉल में डाल दूंगा। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 80 रुपये का जो है ये एक जोड़ा मिला है और मैं सिर्फ 2 ही लेके आऊँ, क्योंकि एक्चुअली गोल्ड फिश जो है इतने कम स्पेस में ज़्यादा रह नहीं सकते ना, इनको बड़े स्पेस चाहिए। बट स्टिल ठीक है, एक जो मैंने बाउल लिया है वो 5 लीटर्स का है, तो आई थिंक दे शुड बी सफिशियंट फॉर दिस 2। हेलो दोस्तों, तो यही है वो फिश बॉल जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। आप देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा साइज़ है दोस्तों और बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली ये जो फिश बॉल है दोस्तों, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और 300 या 350 रुपीज़ में मुझे मिला है। मैंने लिंक नीचे दे दिया है, आप जाकर जो ऑर्डर कर सकते हो। ये 5 लीटर से ज़्यादा है इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 लीटर से ज़्यादा वाला ही खरीदिए, क्योंकि छोटे वाले खरीदेंगे ये तो काफ़ी छोटा, ये फिश बॉल वैसे है भी नहीं, ये कुछ और ही है। तो अगर आप 2-3 लीटर के खरीदोगे तो दोस्तों इससे और ज़्यादा छोटा रहेगा, और उसमें आप क्या ही रखोगे। अगर गोल्ड फिश रखना है तो आई थिंक आपको बड़ा वाला ही लेना चाहिए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि दोस्तों मुझे ये जो डिलीवर हुआ है फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी टूटा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट शेप में है। और ये जो बेस है दोस्तों बिल्कुल फ्लैट है, क्वालिटी बढ़िया है, मैंने बहुत ही अश्योर्ड वाले जगह से लिया है। और प्लस इसकी जो थिकनेस है भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, नया डिज़ाइन आया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका जो होल है ये काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा होल है। अगर आपको क्लीन भी करना है आप बढ़िया से क्लीन कर सकते हो इसको। प्लस दोस्तों ग्लास जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ऐसा कुछ ब्लैकिश ग्लास नहीं है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा हो क्लियरली या जो भी है, बिल्कुल ब्लैकिश नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ग्लास है। प्लस दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ, सिर्फ एक ही चीज़ मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्पॉट सा है और यहाँ पे भी एक स्पॉट सा है, लेकिन मैं इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इस साइड से फेस करने वाला हूँ। और ये पूरा जो साइड है पूरा क्लीन है 90%। यहाँ पे 2 सिर्फ स्पॉट है जो ऑब्वियसली ग्लास बनाने के बाद हो जाता है, आप इतना तो इग्नोर करना ही चाहिए आपको, जबकि ये इतने अच्छे से इन्होंने डिलीवर किया है। यहाँ पे आप जो है लाइट्स भी लगा सकते हो, बाकी आपके हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। तो चलिए आइए मैं इसको अभी जो है अपने हिसाब से डेकोरेट करता हूँ सिंपल, और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये बॉल जो है मुझे थोड़ा सिंपल लगा, इसलिए मैंने जो है सोचा कि ये लगा लूँ। ये एक्चुअली मेरे पास पहले से ही था, ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है क्रिस्टल्स, सेट इन क्रिस्टल्स, पता नहीं क्या चीज़ है ये, आप जो डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मुझे एक स्टेशनरी शॉप से मिला था और ये मेरे पास था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं यहाँ पे लगा दूँ इसको। तो ये मेरे पास आइडिया आया, और ये जो है एकदम स्टिकी वाला है, ऐसे निकाल कर आप इसको चिपका सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा लगा लेते हैं ताकि ये बढ़िया दिखे। आई थिंक 2 लेयर लगाएंगे तो मस्त लगेगा। देखिए ना दोस्तों क्या सुंदर लग रहा है, वाओ, मतलब इसका लुक ही चेंज हो गया है, दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग। और ये स्टिकी है तो इसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे निकाल के आप लगा सकते हो। एंड सिमिलरली मेरे पास ये वाले भी है जो कलरफुल वाले हैं, तो ये मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सिल्वर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसलिए सिल्वर वाला ही लगाया है। तो दोस्तों दिस इज़ लुकिंग ऑसम दोस्तों, आई हैव लाइक नो वर्ड्स। और दोस्तों जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप वॉश करोगे तब इतना ज़्यादा फोर्सफुली इसको वॉश मत करना, यहाँ पे पानी वानी नहीं भी डालोगे तभी चलेगा क्योंकि स्टिकी है। तो दोस्तों वॉश करोगे तो संभाल के वॉश करना, नहीं तो ये निकल जाएगा। तो बाकी तो दोस्तों ये बढ़िया लग रहा है, तो चलिए आइए बाकी डेकोरेशन करते हैं। ओके दोस्तों, बाकी डेकोरेशन के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, क्योंकि सब पहले के थे दोस्तों। मेरे पास पहले भी था लेकिन फिश बॉल नहीं था, मेरे पास टैंक था, तो उसके लिए ये सब चीज़ें खरीदा था मैंने। तो थोड़े बहुत चीज़ें हैं, पर यहाँ पे मैं बाद में जो है वाइट स्टोन्स लाने वाला हूँ। मेरे पास अभी कलरफुल वाले हैं जो पहले के हैं, और आप लोग खरीद लेने से बहुत सस्ते में मिल जाता है दोस्तों, और स्लोली डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसको मैं पहले यहाँ डाल देता हूँ, इसको माय गॉड, इसको डालने के बाद यहाँ पे ये जो पौधे हैं इनको लगाता हूँ। एक तो इस वीडियो में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे ये राउंड आप देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये मेरा रिंग लाइट का जो लाइट यहाँ पे फोकस हो रहा है, तो इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आई नो, बट
ठीक है अभी मैं क्या करूँ। इस वाले बाउल में जो है, जैसे कि मैंने 5 लीटर वाला लिया है ना, अबव 5 लीटर्स हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। आप देख सकते हो बहुत जगह मुझे मिल रहा है यहाँ पे सब रखने के लिए। छोटा लोग है ना, तो आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलने वाला, इसलिए जो है आप बड़ा वाला ही लीजिए। और अभी मेरे पास जो है दोस्तों ये वाटर पंप है, ये भी बहुत पुराना है दोस्तों, 5-6 साल पुराना है। और एक ये पाइप भी है मेरे पास दोस्तों, लेकिन मेरे पास किसी भी तरीके का स्पंज या फिल्टर नहीं है लगाने के लिए, तो मैं इसको डायरेक्टली ही लगाने वाला हूँ और शायद फ्यूचर में कभी खरीद लूँ, पर आई थिंक दिस शुड बी ओके। तो चलिए इसको भी फिक्स कर लेते हैं, पानी डाल लेते हैं और फिर फिश को जो है इसके अंदर डालते हैं। और एक और बात दोस्तों, जब भी आप ये वाटर पंप खरीद रहे हो ना, उनको पूछ लेना कि ये शोर करता है या नहीं, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा मस्त वाला आ गया है, मॉडर्न वाला है। ये मॉडर्न वाला ही है, ये बिल्कुल शोर नहीं करता। अगर आप शोर वाला खरीदोगे जो बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो आपका जो है नींद एकदम से बर्बाद होने वाला है। नाउ दोस्तों फुल रेडी है, नाउ इट्स टाइम टू ऐड वाटर। मैं थोड़ा सा डालता हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगा पहले। तो दोस्तों मोटर भी चालू करके देख लिया, बढ़िया चल रहा है आप देख रहे हो। तो मैं इसको आपको अच्छे से दिखाता हूँ और फिश भी डालता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है इसमें ये मैं फिश डाल देता हूँ। तो दोस्तों दोनों मछलियों को जो मैंने डाल दिया है, और इतना ही पानी था मेरे पास जिस पे इनको मैंने एक्वेंटेंट किया था, पर अभी मैं स्लोली स्लोली जो है और भी पानी डालने वाला हूँ, अप टू यहाँ तक डाल दूंगा। और खाने का दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। पहले इसको जो है हम ऊपर रख लेते हैं, अभी इनको जस्ट डाला है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ रखने वाला हूँ, तो मैंने थोड़ा डबल टेप यहाँ पे दोनों साइड पे लगा लिया है सेफर साइड के लिए। तो इसको स्लोली उठाकर जो है यहाँ पर रखते हैं। आई थिंक परफेक्ट, एकदम मिडिल में है। यप, तो दोस्तों फाइनली ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैंने इसको कुछ ऐसी जगह पर रखा है बिल्कुल टॉप में, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाकी सारी चीज़ें हैं मेरी। दोस्तों अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए ना, तो ये भी जो है मैंने नीचे लिंक दे दिया है, इसका भी आप रिव्यू दे सकते हो। ये फाउंटेन है, और दोस्तों इसका भी जो है मैंने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हो ये लाइट्स के भी रिव्यूज़। और बाकी दोस्तों आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा लगे। और ये फिश जो है अभी स्लोली स्लोली जो है इस पानी में एक्वेंटेंट हो रहा है, और स्लोली उसके बाद जो है शायद एक्टिव होंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, बिल्कुल सिंपल सा है, और यहाँ पे मैं फ्यूचर में सोचूंगा एक लाइट लगाने के लिए। तो यस दोस्तों, इस तरीके का जो है कुछ सेटअप किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हो ये ठीक से अगर फोकस हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, तो यस। और दोस्तों अगर हम खाने के बारे में बात करें, तो मेरे पास ये वाला है जो कि बहुत नॉर्मल है, आपको ये जो हर जगह पे मिल जाता है, दिस इज द बेसिक वन। तो इसमें जो पैलेट्स होते हैं, तो अगर मेरे पास ये गोल्ड फिश, आपने अभी भी देखा है, तो 2 गोल्ड फिश है, तो मैं इनको 2 टाइम्स ही फीड कर रहा हूँ, 3 टाइम्स अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। और 2 टाइम्स कैसे कर रहा हूँ कि एक ही बार में मैं 10 पैलेट्स देता हूँ, यानी कि एक फिश को 5 पैलेट्स करके मिलता है। तो उस हिसाब से जो है पर डे इनको 10-10 करके मिल रहा है, यानी कि 20 पैलेट्स 2 टाइम में मैं डिवाइड करके दे रहा हूँ। तो आप उस तरीके से दे सकते हो, ओवर फीडिंग मत कीजिए, नहीं तो फिर जो है आपके फिश बॉल में मछलियाँ मर जाएंगी। फिश बॉल का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें अमोनिया फिर जनरेट होने लगता है, और बाद में ऐसा हो सकता है कि आपकी फिश सफोकेट होकर जो है मर जाए। तो प्लीज ओवर फीडिंग मत कीजिए। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं कुछ नए वीडियोज लेकर जल्दी वापस आता हूँ रिव्यूज के। और दोस्तों इस फिश बाउल को लेकर अभी मैं काफी सारे वीडियोस जो है गोइंग फॉरवर्ड बनाने वाला हूँ, जैसे कि हाउ फ्रीक्वेंटली शुड बी क्लीनिंग योर फिश बॉल, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड बी चेंजिंग द वाटर ऑफ योर फिश बॉल, और मे बी व्हाट ऑल फिश यू कैन कीप इन द फिश बॉल। तो ये सबसे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं, अगर आपको उन सब वीडियोस को आगे देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यस, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, और यस दोस्तों कोरोना से बच के रहिए।